भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, हम राजनीति में आए इसलिए थे कि जब गठबंधन बना और गठबंधन बना करके ये षड्यंत्र रचा जाने लगा कि प्रधानमंत्री जी को रोका जाएगा, तो हमने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी को अगर रोकने की साजिश हो रही है तो मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये होने नहीं, हम जो है प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। और आज जब मैं चुनाव का परिणाम आने के बाद देखता हूँ, जब बॉम्बे से, कलकत्ता से, दिल्ली से, हर जगह से, पूरे देश से लोग फोन करते हैं और ये बात कहते हैं कि हम लोग इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि आप जो है सारा काम धाम छोड़ के और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हुए। तो आज जब प्रधानमंत्री जी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं तो यही तो हमारा उद्देश्य था, हम जीते हैं। दिल्ली जी, हार का कारण क्या रहा आजमगढ़ जी? हार का कारण क्या रहा? हम तो वही कहते हैं कि देखिए, यहाँ पे जिस तरह से पिछली बार हुआ था कि नेताजी जीते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जीते थे, तो उनको मिला था 340,000 के वोट के आसपास मिला था। और इस बार जब मैं यहाँ चुनाव लड़ा तो उनसे भी 20,000 ज्यादा वोट मुझे मिला, 22,000 वोट ज्यादा मिला। तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनकी ये मेहनत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है और हम लोगों ने उससे ज्यादा वोट अर्जित किया। यहाँ जो उनका गठबंधन था तो गठबंधन के लोगों ने अस्तित्व की लड़ाई बना लिया और वो सही भी है, मुझे लगता है वो गलत भी है। वो लोग ये बात जानते थे कि प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री जी बन रहे हैं, उनको पूरा देश बना रहा है, लेकिन अगर यहाँ से अखिलेश भैया हार गए तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो अस्तित्व की लड़ाई बना करके और यहाँ के लोगों ने उनको समर्थन दिया और मैं कहता हूँ कि ये गलत भी नहीं, ठीक है। अच्छा, हम अपने उद्देश्य में कामयाब हुए, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं और अखिलेश भैया का भी अस्तित्व बच गया, वो भी बच गए, तो मुझे नहीं लगता है कि किधर से भी हमारे। दिनेश जी, आप कहते थे कि जब हम जीतेंगे तो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री आजमगढ़ आएगी जी। अब जबकि चुनाव आप हार गए हैं तो आजमगढ़ में आपकी कितनी सक्रियता होगी और क्या ऐसा कुछ होगा कि भोजपुरी की इंडस्ट्री आजमगढ़ में आएगी? आप इतना समझ लीजिए कि भोजपुरी समाज जिंदाबाद, अल्लाह मत करो यार, इतना समझ लीजिए कि आप लोग देखेंगे आने वाले 5 सालों में कि आजमगढ़ में जो हमारी सक्रियता होगी उतनी सक्रियता हमारे बड़े भैया अखिलेश यादव जीत के भी नहीं कर पाएंगे, ये आप लोगों को दिखेगा 5 सालों में, मैं ये वादा करता हूं आप लोगों से। और 360,000-362,000 लोगों ने जो मुझे अपना मत दिया है मैं उनको निराश नहीं करूंगा, मैं ये वादा करता हूं कि जिस तरह से आज मैं खड़ा हूं आजमगढ़ में, आने वाले समय में भी आप मुझे आजमगढ़ में ही पाएंगे। और जो ये कर्ज है आजमगढ़ का ये मैं उतारूंगा, क्योंकि जो मेहनत किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने और हमारे एक एक भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने समर्थन दिया, उन लोगों ने ये पूरी लड़ाई लड़ी, निरहुआ अकेले नहीं लड़ा है, निरहुआ के साथ 360,000 लोग खड़े होकर लड़े हैं। और मैं कहता हूं कि आपने जो ये समर्थन दिखाया है, आपने जो प्यार दिया है वो बेकार नहीं जाएगा और आपकी सारी उम्मीद पे खरा उतरूंगा मैं, और मैं यहां से कहीं हिलने वाला नहीं हूं, कहीं जाने वाला नहीं। आपकी जनसभा में योगी जी कहते थे कि जिस दिन निरहुआ चुनाव जीतेगा जी उसी दिन से यहां विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हो जाएगा जी, तो क्या कहेंगे कितना? मैं कहता हूं कि निरहुआ नहीं भी जीता है, जीत तो हम गए हैं, जब हमारी सरकार बन गई तो हम जीत गए और हम यही, हमारे लिए जीत यही है, हम यहाँ सांसद बनने नहीं आए थे, हमने डे वन से ये बात बताया था कि निरहुआ को सांसद बनने का लालच नहीं है कि मैं सांसद बन जाऊंगा तो कोई ऐसा कुछ बन जाऊंगा कि जो मैं नहीं, उससे बड़ा ओहदा पद ये जनता ने मुझे दे रखा है। मैं आया हूं यहाँ, मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है, मैं इस उद्देश्य से आया हूं कि जो वंशवाद है, जातिवाद है, वो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, वो हमारे देश के लिए जहर है, उसका खात्मा होना चाहिए।
और राष्ट्रवाद के बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि सबसे ऊपर हमारा देश होना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं हम कामयाब हुए हैं और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी है। तो मैं मानता हूं कि हार तो गठबंधन की हुई है। देखिए, हमारे अखिलेश यादव भैया, हमारे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने जिस उम्मीद में गठबंधन बनाया था कि प्रधानमंत्री जी को हम हटा देंगे, नहीं आने देंगे, वो खुद ही हट गए। आज वो अपनी पूरी ताकत झोंक दिए आजमगढ़ में अपनी सीट बचाने में, घर की सारी सीटें चली गई उनकी। अरे भौजियो हार गए नहीं, और धर्मेंद्र भैया आके आजमगढ़ में बैठा। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।